दोस्तों, आप सब लोग यह तो जानते ही हैं कि कर्ण पांडवों की माता कुंती देवी का ही पुत्र था, जो कुंती को भगवान सूर्य देव के द्वारा प्राप्त हुआ था। कर्ण के जन्म के समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था, इसलिए कुंती ने अपने इस पुत्र को लोक लज्जा के भय से गंगा में बहा दिया था। परंतु कर्ण भगवान सूर्य का पुत्र था, इसलिए वह गंगा जी की विशाल धारा में भी जीवित रहकर बहता चला गया था और बहुत दूर जाकर एक अधीरथ नाम के सारथी को मिल गया था। उस सारथी अधीरथ एवं उसकी पत्नी राधा ने कर्ण को अपना पुत्र बनाकर ही पाला था। दोस्तों, कर्ण जब बड़ा हुआ तब वह एक बहुत बड़ा धनुर्धर बना था। उसने भगवान परशुराम से धनुष चलाने की विद्या प्राप्त की थी। इस कारण सारे देशों में कर्ण के बहुत बड़े धनुर्धर होने की चर्चाएं होने लगी थी। कर्ण की वीरता के चर्चे द्रौपदी ने भी कई लोगों से सुने थे। इस कारण वह कर्ण से मिले बगैर ही उसकी वीरता को पसंद करने लगी थी। दोस्तों, कर्ण एक रथ चलाने वाले सारथी का बेटा था, परंतु इतने बड़े धनुर्धर होने के कारण वह अपने पिता की तरह किसी राजा का रथ नहीं चलाना चाहता था। इसलिए वह अपनी धनुर्विद्या को प्रमाणित करने के लिए अलग अलग राज्यों के वार्षिक समारोह में जाया करता था, जहां वह बड़े बड़े योद्धाओं और राजपुत्रों को हराकर उपहार स्वरूप बहुत सा धन प्राप्त किया करता था। और इसके साथ ही वह किसी राज्य में अपने लिए कोई सम्मानजनक स्थान पाने के लिए जुगत लगा रहा था, और वह सम्मानजनक स्थान कर्ण को बाद में दुर्योधन के हाथों मिला था। दुर्योधन ने कर्ण की वीरता से प्रसन्न होकर उसे अपना मित्र बना लिया था और साथ ही अंग देश का राजा भी बना दिया था। दोस्तों, जिस समय कर्ण दूसरे देशों में जाकर अपना कौशल दिखाया करता था, उसी समय एक बार कर्ण ने राजा द्रुपद के पांचाल देश में जाकर उनके एक राजसी समारोह में भी अपना कौशल दिखाया था। तब राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी कर्ण और कर्ण के कौशल को देखकर उस पर रीझ गई थी और मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी। जब कर्ण ने द्रौपदी की आंखों में अपने प्रति इस प्रकार प्रेम की झलक देखी, तो कर्ण भी मन ही मन द्रौपदी को चाहने लगा था और उसने मन ही मन द्रौपदी को अपनी जीवन संगिनी बनाने का निश्चय कर लिया था। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उस काल में राजकुमारियों का विवाह स्वयंवर विधि द्वारा ही हुआ करता था। जो वीर योद्धा स्वयंवर की शर्तों को अपनी वीरता तथा कौशल से पूरा कर दिया करता था, उसी के साथ उस राजकुमारी का विवाह कर दिया जाता था। इसलिए महावीर कर्ण को पूरा विश्वास था कि वह अपने कौशल से द्रौपदी के स्वयंवर की किसी भी शर्त को पूरा कर देगा और द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लेगा। और कर्ण की तरह यही विश्वास इधर राजकुमारी द्रौपदी को भी था कि भारत में कर्ण के समान कोई दूसरा वीर नहीं है, इस कारण वह कर्ण की ही पत्नी बनेगी। इसी विश्वास को मन में रखकर कर्ण और द्रौपदी मन ही मन एक दूसरे से प्रेम करते रहे थे और इंतजार करते रहे उस दिन का जब राजा द्रुपद अपनी पुत्री के स्वयंवर की घोषणा करें। दोस्तों, आप लोग यह तो जानते ही होंगे कि कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के सबसे बड़े दुश्मन थे। इसलिए राजा द्रुपद ने एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था जो द्रोणाचार्य को मार सके। तब राजा द्रुपद के यज्ञ की अग्नि से धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र और द्रौपदी नाम की पुत्री का जन्म हुआ था। राजा द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन के साथ हो, इसलिए उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर में यह शर्त रखी थी कि जो वीर तेल की कढ़ाई में देखकर उसके ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को अपने बाण से भेद देगा, उसी के साथ वो अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह करेंगे। स्वयंवर की यह शर्त भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण, अर्जुन और कर्ण के सिवाय
कोई और पूरा नहीं कर सकता था। यह शर्त कर्ण के लिए बड़ी ही मामूली सी थी। इस बात को कर्ण और द्रौपदी दोनों ही जानते थे। इस कारण इस शर्त से कर्ण और द्रौपदी दोनों ही बड़े खुश हुए थे। परंतु स्वयंवर के समय जब कर्ण लक्ष्य भेदने के लिए उठता है, तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को इशारे से इस विवाह को करने से मना कर देते हैं। तब द्रौपदी ने विवश होकर कर्ण को सूत पुत्र कहा था और उसके साथ विवाह करने से मना कर दिया था। इसलिए कर्ण द्रौपदी के उस स्वयंवर में शामिल नहीं हो पाया था। बस इसी कारण द्रौपदी और कर्ण की इस प्रेम कहानी का अंत हो गया था।